हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में थ्री लाइंस दिखेगी टॉप पे, आपको उस पर क्लिक करना है। देन फर्स्ट ऑप्शन आएगा कैटलॉग, देन ऐड प्रोडक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक सर्च बार ओपन होगा जिसमें आपको जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कोई ब्रांड ले लेता हूँ बीफिट, जो मुझे यहाँ पर लिस्ट करना है, मैं इसे सर्च कर लूँगा। अब आपने जो भी ब्रांड सर्च करा है उसके जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी लिस्ट आपके सामने ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसे अगर मुझे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है सेकंड वाला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड में सेलेक्ट अ कंडीशन आएगा इस प्रोडक्ट के सामने, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देन न्यू और सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये आपसे इस प्रोडक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आप इस प्रोडक्ट को किस प्राइस में सेल आउट करना चाहते हैं, आपके पास में कितनी क्वांटिटीज़ की अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड में ऑल एट्रीब्यूट्स आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो रेड रेड बॉक्सेस आपको शो होंगे सबसे पहले आपको उन्हें ही फिल करना है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो यहाँ पर रहता है योर प्राइस का, ठीक है। योर प्राइस में आपको क्या अमाउंट डालना होता है, जैसे कि आपका कोई अमाउंट है 500 रुपीज़, अगर आपका अमाउंट है तो आपको अपने अमाउंट को थोड़ा सा हायर करके यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि अगर 500 रुपीज़ आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए तो आपको 600 या 700 वहाँ पे फिल करना है, बिकॉज जो आप प्राइस वहाँ पे फिल करेंगे उसमें से जो अमेज़ॉन की कमीशन रहती है, सेलिंग कमीशन एंड क्लोजिंग फ़ीस जो रहती है, दो टाइप के अमेज़ॉन आपसे कमीशन चार्ज करता है। एक तो सेलिंग फ़ीस रहती है जो कि परसेंटेज अकॉर्डिंग फिक्स रहती है हर प्रोडक्ट की, और एक रहता है क्लोजिंग फ़ीस का, ठीक है। तो वो कमीशन डिडक्ट होने के बाद में आपको अमाउंट मिलता है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जो भी आपको अमाउंट फिल करना है उससे थोड़ा सा हायर करके आपको यहाँ पे अमाउंट जो है वो फिल करना है, ठीक है। योर प्राइस आपने फिल कर दी, देन आपसे पूछ रहा है HSN कोड का। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड पता है तो आप वो यहाँ पे फिल करिए, ठीक है। अगर आपको अभी जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्टिंग के लिए 1234 यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। योर प्राइस अगर आपका 500 रुपीज़ आपको इस पे अमाउंट चाहिए तो आपको क्या करना है, 650 या 700 समथिंग अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है, क्योंकि कमीशन डिडक्ट होने के बाद में आपको अपना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। योर प्राइस फिल करने के बाद में MRP अपन को फिल करनी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जो आपने अमाउंट योर प्राइस में फिल करा है उससे थोड़ा सा बढ़ा के 100 रुपये या 150 रुपये आपको फिर अमाउंट बढ़ा के फिर यहाँ पे MRP में डाल देना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 650 अमाउंट डाला, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 780 या थोड़ा सा बढ़ा के आपके अकॉर्डिंग जो भी प्राइस आप सेट करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस में वही अमाउंट फिल होता है जो हमने योर प्राइस में अमाउंट डाला, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने योर प्राइस में यहाँ पे 650 डाला है तो आपको लिस्ट प्राइस में भी 650 अमाउंट ही डालना है, ठीक है। क्वांटिटी में आपके पास में जितनी इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी अवेलेबल हो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। देन कंट्री आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इंडिया अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सारे रेड बॉक्सेस फिल होने के बाद में आपको दो बॉक्सेस ऑल फिल करने होते हैं जो नेसेसरी रहते हैं, ठीक है। मैंडेटरी रहता है जो प्रोडक्ट जो ऑप्शन रहता है वो रहता है सबसे पहला मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर रिसीव आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कितने ऑर्डर्स इस प्रोडक्ट के एक दिन में चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 2 डालते हैं, ठीक है, तो अमेज़ॉन आपको इस प्रोडक्ट के 2 ही ऑर्डर जो है वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराएगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम क्या होता है, अमेज़ॉन आपको ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए, ऑर्डर रेडी करने के लिए कितने दिन का टाइम दे रहा है। तो अमेज़ॉन आपको 4 डेज का टाइम देता है ऑर्डर रेडी करने के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे लास्ट में तो आपके पास में एक ऑप्शन आएगा सेव एंड फिनिश का, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन की इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा और आपके पास में उस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट आपको हायर करके लगाना है क्योंकि फिल करना है क्योंकि कमीशन डिडक्ट होने के बाद में आपको अपना अमाउंट मिलता है, तो आप वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको कमीशन डिडक्ट होने के बाद में कितना अमाउंट मिल रहा है, तो वो अपन यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके चेक कर सकते हैं। वापस आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है, देन इन्वेंट्री और मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स पहले लिस्ट कर रखे थे, तो आप कैसे अपना अमाउंट जो है चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शो होगा फी प्रीव्यू का, ठीक है। फी प्रीव्यू के नीचे एक अमाउंट आपको शो हो रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको उस प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट है वो पूरा शो हो जाएगा कि कितना कस्टमर पे कर रहा है, कितनी कमीशन डिडक्ट हो रही है, आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो जो कस्टमर पे कर रहा है इस अमाउंट को वो ये है, ठीक है।
2596 रुपीस जो है वो कस्टमर अमेजोन को पे कर रहा है, ठीक है। दूसरा रेफरल फी जो मैंने आपको बताई थी, अमेजोन की सेलिंग कमीशन जो रहती है वो परसेंटेज अकॉर्डिंग फिक्स रहती है, तो इस पर जो अमाउंट है उस पर अमेजोन कमीशन चार्ज कर रहा है वो 207 रुपीस चार्ज कर रहा है। परसेंटेज अगर अकॉर्डिंग अगर आपको चेक करना है तो अमाउंट के सामने आई बटन आपको शो होगा, आप उस पर क्लिक करके परसेंटेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना परसेंट कमीशन अमेजोन चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे 8% अमेजोन इस प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। फिक्स क्लोजिंग का जो अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है, फिक्स क्लोजिंग का अमाउंट रहता है 0 से लेकर 250 तक अगर कोई अमाउंट रहता है तो उस पर 3 रुपये चार्ज होते हैं, 250 से लेकर अगर 500 तक अगर कोई अमाउंट है तो उस पर 6 रुपये चार्ज होते हैं, 500 से लेकर 1000 तक अगर कोई अमाउंट है तो उस पर 30 रुपये चार्ज होते हैं, और 1000 से ऊपर जितना भी अमाउंट रहता है उस पर 58 रुपीज़ 58 रुपये चार्ज होते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिक्स क्लोजिंग का अपना अमाउंट 1000 रुपीज़ से अबव था इसलिए यहाँ पे 58 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। फी डिस्काउंट, यहाँ पे अगर अमेजोन आपको कमीशन में कुछ डिस्काउंट देता है तो आप यहाँ पे आपको शो हो जाएगा फी डिस्काउंट में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, कि कस्टमर तो इतना अमाउंट अमेजोन को पे कर रहा है पर कमीशन डिडक्ट होने के बाद में आपको कितना अमाउंट मिलेगा वो होता है एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट। तो ये जो अमाउंट है 2405 रुपीज़ ये आपके अकाउंट में अमेजोन ट्रांसफ़र करेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कस्टमर क्या पे कर रहा है, और फिक्स क्लोजिंग जो कमीशन रह रही है अमेजोन की वो कैसे कितनी डिडक्ट हो रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर प्रोडक्ट की। अभी इस प्रोडक्ट की चेक करी, दूसरे प्रोडक्ट की आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं।